नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 102वें एपिसोड में लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने योग दिवस, इमरजेंसी स्पोर्ट्स, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के अभियान और प्रकृति संरक्षण को लेकर बात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिपरजॉय तूफान के दौरान कच्छ के लोगों की हिम्मत की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस किया, लेकिन जिस हिम्मत और तैयारी के साथ कच्छ के लोगों ने इतने खतरनाक चक्रवात का मुकाबला किया वह अभूतपूर्व है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रहवासियों के साथ सुना। उन्होंने नरेला विधानसभा के वार्ड 38 बूथ 266 में ये कार्यक्रम सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के साथ संवाद के साथ ही कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। दरअसल राणा जी अभी आज से उपाया जा सकता समय भले मैंने गुजरात में प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्थापित किया है कि देश का प्रधानमंत्री केवल सत्ता की कुर्सी पर ही राज नहीं करता, बल्कि वो समाज में कुछ नया दिखाने के लिए और परिवार के मुखिया के रूप में काम करता है। आज उन्होंने अलग अलग विषय पर तो हमें जानकारी दी ही और उसका इस बात का भी संदेश दिया कि हम सब भारतवासी इस देश के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर करें। उनका ये मन की बात का हर एपिसोड हम सबको कुछ ना कुछ प्रेरणा भी देता है और दिशा भी देता है। आज हम अभिभूत हैं मन की बात से। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।